पर परिवार का मतलब यह है कि आप सभी हमारे परिवार हैं, एक एक व्यक्ति हमारा परिवार है जो इस चैनल को देखता है। उन पे अगर कोई भी आँच आती है तो हमको उतनी ही तकलीफ़ होती है जितना अगर मुझे कुछ हो जाए तो। इसीलिए ये चैनल मैंने बनाया है ताकि जो आपका परिवार है यानी हम और आप, हम आपके आप हमारे, पहले ही बता चुका हूँ। सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ और ऐसी कोई बातें आ जाती हैं कि आपसे शेयर करने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तब हमारे हौसले बुलंद होते हैं, यानी हमारा दिल खुश होता है कि आप हमें देख रहे हैं और हमें देखना आप चाह रहे हैं, सारी बातें सामने आती हैं। वैसे ही आप लोगों को मैं आज एक फिर से कहानी लेकर आया हूँ और बताने के लिए कि कुछ ऐसी स्टोरी होती हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ बन जाती हैं, कुछ ऐसे न्यूज सामने आ जाते हैं जिनको मैं चलाने के लिए कितनी भी कोशिश करूँ लेकिन मैं चला नहीं पाता। और क्यों नहीं चला पाता ये सारी बातें हम आपको अवगत कराने चाह रहा। लेकिन इससे पहले आप लोगों को मैं, जैसे कि आप लोगों को कोई प्रूफ दे देता हूँ, तो पहले एक छोटा सा प्रूफ आपको मैं दूंगा। उस प्रूफ पे पहले आप सुन लीजिए, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे पहले इस रिकॉर्डिंग से। पहले इस रिकॉर्डिंग को आप जरूर सुनिएगा। है कि हम लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज किया है, ओबीसी और जनरल। तो एक्चुअल में हुआ है कि दोनों बालिक हैं, दोनों ने शादी कर ली थी यार, समाज मंदिर से विधि विधान से रह रहे हैं। तो अब लड़की के पेरेंट्स जो है तो कल आए थे, घर मिले उले, इसके बाद माया रचे चले गए यहाँ से कि हो गए जाओ तुम लोग रहो जियो, हमारी तरफ से मारे और गए। कल इसके बाद जो है तो उन्होंने रात को पहुंच के शाम को 6 बजे पूरे घर में घुस के मम्मी को भी मारा है, काफी फोड़ फाड़ दिया है। और इसके बाद जो है तो हम लोग को खोज रहे थे हत्या करने के लिए, तो हम लोग जंप वंप करके किसी तरह से भागे हैं और चाचा को भी और किराएदार को भी मारे। अब इसके बाद गए थे हम लोगों ने वहाँ पे मुकदमा कायम कराया है, तो DI साहब ने किसी तरह से हो गया मुकदमा कायम कर दिया। 323, 452 ये सब धाराएं लगाई हैं, उसकी कॉपी नहीं दी है अभी क्योंकि सिग्नेचर नहीं हुई थी FIR की, पर हमने फोटो ले ली है उसकी। तो क्या है कि अभी अब मैटर शायद समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, और मैं पूरी वीडियो अगर चलाऊंगा तो 20-22 मिनट वक्त जो है वो गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत सुनाऊंगा। उन लोग मतलब जस्ती शादी कर रहे थे, इनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दे रहे थे। अंततः हम लोगों को अपनी बात सामने रखनी पड़ी 14 सितंबर। तो थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, सुनिएगा, गौर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है लाउड स्पीकर पे है या ईयरफोन लगा हुआ है, सुन पा रहे हैं आप दोनों? नहीं। हाँ जी, अब बोलिए। ये बताइएगा कि आप लोगों को तो ये चीजें पता है कि हम हिंदू समाज में कास्ट वाइज का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, समझ पा रहे हैं हमारी बातों को ना? जी जी। कोई मुस्लिम की लड़की अगर हिंदू ला ले तो भी बवाल है, और अगर मुस्लिम की लड़की को मतलब हिंदू ले जाए तो भी बवाल है, इन दोनों में बवाल है। फिर सबसे बड़ी बात यह कि कास्ट वाइज का प्रॉब्लम ब्राह्मण ठाकुर अन्य जाति जो भी जैसे भी है इनको लेकर सबसे बड़ा बवाल ये मचता है कि कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। क्या आपके घर वाले एक्सेप्ट कर लिए इस लड़की को? हाँ, हमारे घर वाले मम्मी लोग सब खड़े, सब पूरा परिवार, मामा चाचा काका जो जहाँ इनको रहना सब एक्सेप्ट किए हैं, खुशी से एक्सेप्ट किए हैं सब। खुशी से हैं। आज 3 साल हो गया रवि भैया इनको, मतलब जो भी परिवार सपोर्ट वपोर्ट मिले ना मिले, बैक सपोर्ट इनको हर तरह से देते हैं कि जो भी हो सके तो इनके लिए करने के लिए तत्पर रहते हैं, इनकी पढ़ाई के लिए जीते हैं और ये चाहते हैं कि ये कुछ करें, पर इनके घर वाले इनकी जबरदस्ती शादी कर रहे थे, इनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं दे रहे थे। अंततः हम लोगों को अपनी बात सामने रखनी पड़ी 14 सितंबर 2021 को, मतलब अभी से 2.5 महीने पहले हम लोगों ने शादी कर ली थी। इनके परिवार में कौन कौन है? इनके परिवार में मम्मी है, पापा है, चाचा लोग हैं, और फिर हो गया परिवार भी जैसे दूर के मामा काका लोग आए थे। कल कहाँ से आपने बताया कि ये मान गए थे कि हाँ ठीक ठाक है? कहाँ, कोतवाली से या? नहीं, ये घर आए थे माया फैलाने के, लड़की को ले जाके कुछ घर करने। तो पहले मतलब कोतवाली गए, तो कोतवाली में हम लोगों ने पहले एक इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था, जानकारी सूचना दे दी थी कि हम लोग साथ रहना चाहते हैं, संरक्षण प्रदान करें। ठीक है, पुलिस वाले हमारे संरक्षण के लिए नहीं है कि हाँ इतना ही देखेंगे, ठीक है, उन्होंने सही कहा, कोई बात नहीं उस चीज के लिए। लेकिन फिर इसके बाद उन्होंने मतलब इनके माता पिता ने गए होंगे कि तुम सुर्गी दिखाने रहे कि कोई लड़का है ऐसा है वैसा है, मतलब कहीं रहता है तो मतलब ले गया है, तो पता चला कि उन लोगों ने शादी वगैरह कर लिया। तो पिताजी इनके विश्वास नहीं कर रहे, तो फोटोज सर्टिफिकेट दिखाए वहाँ समाज का पूरा, और पर्ची वगैरह जो भी कटती हो।
इनका कहना है कि मैंने शादी कर लिया आर्य समाज में जा करके, और सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ी सुनिएगा। कब से जानती हैं आप इनको? 3 साल। 3 साल से? उम्र क्या है आपकी? 22 साल। 22 साल, 18 दिन 21, 22, ठीक है। शादी कहाँ से हुई आपकी? रीवा से। क्या लगता है आपको, क्या पूरी जिंदगी इनके साथ आप गुजार पाएंगी? हाँ। और घर वाले की मतलब क्या लगता है आपको, कैसे हैं वो? घर वाले मार पिटाई करते हैं हमको ले जाने के लिए, सोच बोल रहे थे कि बाहर निकलोगे तो मार देंगे दोनों लोगों को। फिर यहाँ से आप लोग बाहर कहाँ नहीं गए? क्योंकि आप लोगों को पता है लाउडस्पीकर पे है या ईयरफोन लगा हुआ है, सुन पा रहे हैं आप दोनों? नहीं। हाँ जी, अब बोलिए। ये बताइएगा कि यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा था, और सुनाने का मतलब अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इन महाशय, ये जो महाशय है वो साहू परिवार से हैं, और जो एक और लड़की है जो सामने है वो एक ब्राह्मण परिवार से है, एक सामान्य और एक पिछड़ा वर्ग दोनों हैं। सामान्य और पिछड़ा वर्ग मैटर नहीं करता कि वो आपस में जातिवाद की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबके बीच में जीते हैं। हमारे साथ कई बार आपने नाम सुना है राकेश वर्मा का, कैमरामैन हमारा, वो रजक फैमिली से बिलोंग करता है और वो हमारे साथ रहता है 24 घंटे मेरे साथ रहता है। अगर मैं जातिवाद की बात करता तो ये मेरे साथ नहीं रहता। मैं अगर ब्राह्मणवाद की बात करता तो सिर्फ मैं ब्राह्मण को ही रखता स्टाफ में और ब्राह्मण ही हमारे साथ रहते, लेकिन ये हमारे साथ रहता है, एक ही रूम में खाना पीना सब कुछ चलता है। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं कर रहा। ऐसे ही चाहे मेरे पास कोई लड़की हो या लड़का हो, सब हमारे लिए भाई बहन है और सबके लिए मैं भाई बहन हूँ। इनका कहना ये था कि आप तरंग 24 न्यूज़ बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और वो हमें जब देखते हैं तो उनके अंदर एक जुनून आता है कुछ करने का, लेकिन मैंने ये आज तक नहीं किया कि किसी की लड़की को भगा के मैं उठा लाऊं, या फिर अगर वो लड़की आना भी चाहती है तो मैं उसको ज़बरदस्ती या फिर उनके परिवार के बिना इजाज़त के मैं उसको अपने घर में लाऊं। मैं ये कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी वजह जो है वो हमारा संस्कार है। हमारा संस्कार ये नहीं कहता कि हम अपने घर में बिना किसी के अनुमति के किसी के घर से किसी सदस्य को उठाकर लेकर चले आए। अगर लेकर आ भी रहे हैं तो हम कितनी बड़ी भी कहें कि हम जिम्मेदारी निभा सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं निभा सकते। और सबसे बड़ी बात कि माता पिता भाई बहन का प्यार जो मिलता है ना वो हमेशा याद रहता, वो भूलता नहीं। अब इनका मोटिव ये चीज़ था कि आप खबर चलाइए। मैंने खबर नहीं चलाई और ना मैं चलाऊंगा, ये मैं खुल के कह रहा हूं कि ना मैंने खबर चलाई ना मैं चलाऊंगा। लेकिन क्यों नहीं चलाऊंगा और क्यों नहीं चलाई वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं, हमारे पिता तुल्य बहुत सारे लोग हैं जो हमें हमारा ये चैनल देखते हैं, और आप हो सकता है कि जो आप देख रहे हैं, जो आप हमें देखते हैं हमेशा, उन सभी से हमारा गुजारिश है कि मैं कहीं पर पक्षपात नहीं करता, सारी चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ और रखता हूँ। चाहे मुझे जेल जाना पड़े, सजा भुगतनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं पक्षपात नहीं करता कि मैं किसी का पक्ष लूँगा। मेरे अंदर वो है ही नहीं, और अगर जिस दिन हो जाएगा मैं आप लोगों से नज़रें नहीं मिला पाऊँगा। और ईश्वर से कामना कीजिए कि वो मेरे अंदर नहीं आए, मैं ऐसे ही रहूँ जैसे हूँ। ईगो ही सही, आप अगर ईगो समझते हैं तो ईगो ही सही, लेकिन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं, चाहे वो विधायक जी हो, सांसद जी हो, कोई भी हो। आप अगर गलत कर रहे हो तभी तो मैं दिखा रहा हूं, गलत करना छोड़ दीजिए, मैं दिखाना छोड़ दूंगा। मुझे मालूम है कि मेरा क्या होगा, आप क्या करेंगे मेरे ऊपर, बार करवाएंगे, मैं हमला करवाएंगे, हो सकता है कि मेरा वो टाइम आ जाए कि मैं नाली के किनारे कहीं पर पड़ा रहूं, मेरी बॉडी पड़ी रहे, लेकिन अफसोस नहीं होगा मुझे।
अफसोस इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं जनता के लिए। अगर मर भी गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि मैं उस लाइन में ही आ चुका हूं, तो फिर डरना किस बात का। मेरे अंदर डर बिल्कुल नहीं है। आपको जो करना हो कर लीजिए, मुझे जो दिखाना है मैं दिखा के रहूंगा, लेकिन मेरा दिल जब गवाह करेगा कि ये सही चीजें हैं तभी। बाकी आप मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा मैंने बताया कि आप फर्जी केसों में कि किसी लड़की या महिला को लपटवा देंगे हमसे और वो हमसे लिपट जाएगी, आप फोटो खींच लेंगे, वीडियो बना सकते हैं और कह सकते हैं कि मैंने उसके साथ ऐसा छेड़खानी किया, आप जेल भजवा सकते हैं मुझे। या फिर किसी सरकारी कार्य में दखलंदाजी करने का आप हमारे ऊपर केस लगवा के मुझे आप जेल भिजवा सकते हैं। या अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे मुझे? मुझे जान से मार देंगे, मेरा हाथ पैर तोड़वाने की कोशिश करेंगे, तो क्या इससे मैं सच दिखाना छोड़ दूंगा? या अगर मैं बैठ भी गया तब भी मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रहा था, अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा था भ्रष्टाचार से, युवाओं को जगाने की कोशिश कर रहा था और सभी एक एक व्यक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा था कि जाग जाओ, ये गलत है, इस पे आप अमल करिए और आप इस पर साथ हमारा दीजिए। आप नहीं दे रहे हैं तो वो आपकी बेवकूफी है, लेकिन हो सकता है कि कोई मजबूरी हो। लेकिन मजबूरी किस काम की जब आप कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पे कि मैंने खबर क्यों नहीं चलाई। इस फोन में सबसे पहले उस व्यक्ति का हमारे पास फोन आता है और किसी रिपोर्टर के पास नहीं जाता, सबसे पहले हमारे पास फोन आता है कि भाई साहब मुझे ऐसी खबर चलवानी है, मैंने किसी की लड़की को उसके बिना माता पिता की मर्जी के उसको वहां से मैं लाया हूं, मैंने 3 साल पहले शादी कर लिया और शादी करने के बाद आज उसके घर वालों को पता चल रहा है और घर वाले आकर मेरे माता पिता को मारे पीटे हैं और मैं इस लड़की को लेकर खुश हूं और इस लड़की को अपने घर में रखा हूं और लड़की मर्जी के साथ है हमारे। ठीक है, आप बालिग हैं, बालिग होने के साथ साथ कि आप समझदार भी होंगे, लेकिन एक समझदार व्यक्ति ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। यानी आप समझदार नहीं हैं, गलत सोचते हैं आप कि आप समझदार हैं। पढ़ लिखने से बुद्धि की पूरी चीजें नहीं होती कि आपने पढ़ लिख लिया है तो सारी बुद्धि आपके दिमाग में आ गई। पोथी पत्रा का एग्जाम अलग होता है, दुनिया का एग्जाम अलग होता है, हम भुगतते हैं जो चीजें उसका एग्जाम हमें जो मिलता है वो अलग होता है, हार का एक एग्जाम वो अलग होता है, जो भी आप एग्जाम सीखते हैं उसका सभी सारी चीजें अलग अलग ही आती हैं। अब हम कहाँ पहुँचे थे कि मैंने लड़की को अपने घर में रखा और उसके माता पिता आए हमारे घर में मारपीट किए। अब दिखने वाली जो बात है वो यहाँ पे है कि आपने जो किया, आपने प्यार किया, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं प्यार के खिलाफ कतई नहीं हूँ, आपने किया अच्छी बात है, लड़की को आप प्यार दे रहे हैं, आपको वो प्यार दे रही है, आपस की बात है, आप दोनों का मैटर है, अच्छी बात है। लेकिन उस टाइम पर आपने क्या ये चीज़ें सोची थी कि क्या हमारे साथ क्या होगा जब उसके माता पिता अदर कास्ट के हैं या वो नहीं चाहते कि वो आपको अपनी लड़की दें, तो क्या आप किसी से कोई चीज़ छीन कर लेंगे तो उसको एहसास नहीं होगा कि आप उसे दुख पहुंचा रहे हैं? हमारी कोई चीज़ है, यानी लड़की उन्हीं की थी, लड़की उन्हीं की थी और उनकी लड़की को आप छीनोगे तो कैसा लगेगा? मेरे जेब से आप 500 रुपए ले लीजिए तो मुझे कितना बुरा लगेगा? जबरदस्ती की जहां बात है, मैं अगर दे रहा हूं तो अच्छी बात है, आपकी मजबूरी कोई है, मैं अगर दे रहा हूं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज आप मुझसे छीन लो तो मुझे कैसे लगेगा? वही चीजें आपके माता पिता को 4 डंडे आके मार गए तो आपको कैसा लगा, पहले वो सोचिए। आपको दर्द हुआ, आपको फील हुआ, आप रिपोर्ट लिखा रहे हैं, आपके साथ की मारपीट हुई, यानी कि कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हुई तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, लेकिन वहीं पे उन्हीं की लड़की को तुम उठा लाए जिसकी जिंदगी थी, जिन्होंने पाला पोसा 18 साल तक, 22 साल तक, आज वो लड़की 22 साल की, और 22 साल की उम्र में वो लड़की जो है कि 22 साल की उम्र में छोड़ के चली आए, उनका जो विश्वास था वो टूट गया, चकनाचूर हो गया शीशे की तरह, उनका जो विश्वास था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 2 बहनें थी, 1 बहन और बची हुई है, उस पर भी विश्वास करना वो छोड़ देंगे। एक लड़की की वजह से पूरी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है, कुछ ऐसी लड़कियों की वजह से ही पूरी जिंदगी बर्बाद होती है। आपको आजादी हम देते हैं, लेकिन इसका आजादी हम नहीं देते कि आप कुछ भी करो। आपको पढ़ने की आजादी चाहिए थी, हम पढ़ने की आजादी दे रहे हैं। आपको लिखने की जरूरत थी, लिखने पढ़ने की पूरी आजादी मिल गई ना, अब आपको चाहिए क्या? प्यार करने की आजादी। आपको स्वतंत्र रूप से
अपने घर वालों की, यानी कि जो आपका घर परिवार है, वहां से आपको उठा के सीधी लाया गया, सीधी में आपको रखा गया, सिर्फ इसके लिए कि आप पढ़ लिख सकें, व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं उस लड़की का जो पिता है वो प्रिंसिपल है, वो लड़की का जो पिता है वो प्रिंसिपल है, नहीं होगा प्रिंसिपल, टीचर है, लेकिन वो एक सामाजिक स्तर से सभी के साथ जुड़ा हुआ है। जो शिक्षा आज देते आया, वही शिक्षा से आज वो, ये जो शिक्षा इनको मिल गई उसकी वजह से आज ये हालत हो गई है कि अपना चेहरा किसी को दिखाने से डर रहा है, वो चेहरा जो पंखे में लटक रहा था। लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, लड़की तो लड़की है भाई, उसको प्यार मिल गया, और 18 साल जिसने पाला पोसा उसका प्यार फीका पड़ गया उसके आगे, क्योंकि ये 3 साल से प्यार कर रहा था, 8 और 3 21, 8 3 11 होता है तो 21, 3 सालों से इसने इतना प्यार दे दिया कि मतलब इसकी जिंदगी हो गई, 3 साल में इतना प्यार हो गया कि 18 साल का प्यार खत्म, जिसने पाला पोसा पेट में रखा, जब माँ पेट में रखा था माँ ने, और पेट में रखने के बाद जब वो पैदा की, उसको क्या बोलते हैं, जन्म घूंटी से लेकर के उसके कपड़े बदलना, फिर उसको धीरे 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 मतलब स्तर पर लाना, बड़ा करना, शिक्षा देना, क्या कितनी जिम्मेदारी होती है माता पिता की, क्या क्या होता है, पहले आप खुद सोच सकते हैं। तो मैं इनका साथ दूँ, इनका साथ का मतलब ये है कि अगर मैं इनका साथ देता हूँ तो 10 जो और लड़कियां घर में बैठी हैं और 10 और जो लड़के बैठे हैं इस तरीके से, वो सभी यही करेंगे। पुलिस फोर्स अगर इनकी सिक्योरिटी देने लगे तो हर बंदा आज किसी की लड़की को उठा के भागेगा, क्योंकि हम प्यार करते हैं उससे। तो भाई साहब, आप प्यार करते हो तो क्या किसी की चीज को उठा लाओगे, जबरदस्ती करोगे किसी के साथ? हाँ, और आप ही सोचिए, अगर आप एक महिला हैं, आप अगर सुन रही हैं, या एक लड़की हैं आप सुन रही हैं, तो मुझे एक बात बता दीजिए, आप कमेंट में जो करिए, कमेंट में आप लिखिएगा, कमेंट में कमेंट बॉक्स मेरा खुला रहता है, सभी कोई आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे, और कमेंट करके ही मुझे बताइएगा, एक बात बताइएगा कि कभी वो जमाना था जब लड़कियों का गला रेत दिया जाता था, कभी वो जमाना था जो पति मरने के बाद पत्नियों को साथ में ही जला दिया जाता था, कभी वो जमाना था कि दहेज प्रथा थी और दहेज के कारण लड़कियों को पैदा ही नहीं किया जाता था, कभी वो जमाना था जो इज्जत के डर से लड़कियों को मार दिया जाता था कि मैं इनका शादी नहीं कर पाऊंगा, तो इज्जत की बात हुआ करती थी। सारी चीजें को लेकर के आज पूरा देश, हम लड़कियों को एक अलग ही जगह दे चुके हैं, एक महिला को एक अलग ही जगह दे चुके हैं। हम अपने आप को सम्मान दे या ना दे, लेकिन अपनी माता को, अपने बहनों को हम ज्यादा सम्मान देते हैं, क्योंकि यही सिखाया गया है हमारे संस्कार को, और हम आपकी भी कदर करते हैं। लेकिन मैं आपका सपोर्ट नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा आपका सपोर्ट, वो इसलिए क्योंकि आप गलत हो, आप गलत हो। मैं अगर आपको सपोर्ट करता हूं तो 10 लड़के और लड़कियां जब घर से फरार होते हैं तो उनके जो जिन्होंने पैदा किया है आपको, जो माता पिता ने आपको पैदा किया है, उनका विश्वास टूटता है, और विश्वास टूटने की वजह से वह बच्चियां पैदा ही नहीं करेंगे, उसी डर की वजह से, जब वो पिता की हालत है, और वही 10 और जो लोग हैं, 10 और जो लोग हैं वो बच्चियां पैदा करने से डरेंगे कि ये हालत होती है क्या, ऐसी हालत हो जाती है हमारी बच्चियां पैदा करने के बाद, तो फिर से वो टाइम आ जाएगा जो आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, कुछ आप जैसे लड़कियों की वजह से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। क्या मिलता है, क्या वो पिता आपको कहीं पे कुछ अच्छा आपका नहीं सोचता? और ये महाशय कह रहे हैं कि सब कुछ मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, बैकग्राउंड मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, बैकफुट से पूरी सारी चीज़ें। अरे जिसका पिता सरकारी नौकरी कर रहा हो, जिसका पिता यहाँ पे उसको पढ़ने के लिए रूम लेके रखा हो, जिसका पिता यहाँ पे रूम लेकर पढ़ाई करने के लिए अनुमति दे रखा हो, जिसने आज कॉलेज करवा रखा कि भाई कॉलेज करो, वो खर्चे नहीं देगा अपनी लड़की को तो कौन देगा? ये महाशय कह रहे हैं कि हम देंगे, हम दे रहे थे इतने दिनों से, ये कहिए कि अय्याशी करने के लिए उसको आप दे रहे थे पैसे, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ने के लिए वो माता पिता जो इतने दिनों से इनको सीढ़ी में रखे हुए हैं वो नहीं देंगे? एक जो टीचर खुद हो, पढ़ा लिखा शिक्षित हो, वो व्यक्ति अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए पैसा नहीं देगा? ऐसा हो सकता है कि आप खुद सोचिए,
और महाशय का कहना कि मैंने दिया और मैं दे रहा था अभी 3 सालों से। ये कहिए कि आप उसको ठगने के लिए, आप अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए कोई भी चीज़ें आप दे रहे थे, या आपको प्यार था वाकई में तो आप उसको दे रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें मैं ही दे रहा था, ये गलत है। मैं आपका बेसक सपोर्ट करता। अगर आपको दिक्कतें आती कब, जब किसी का माता पिता, जब किसी लड़की के माता पिता अपनी इजाज़त से आपको लड़की दे देते, और आप भी आपके घर वाले एक दूसरे को जब सपोर्ट करते, वो मैटर नहीं करता चाहे किसी कास्ट का हो, वो जो आपस में दोनों लोग सपोर्ट करते, सपोर्ट करने के बाद अगर कोई गुंडा आके आपको मारता या पुलिस आपको कोई परेशान करता, पुलिस जब आपको परेशान करती इसके बाद ही दिक्कतें आपको आती, तो मैं आपको 100% सपोर्ट करता, आपको कहीं पे दिक्कतें नहीं आती, ये मेरी गारंटी है। हम लोग सपोर्ट करते हैं आपको, पूरा मीडिया आपको सपोर्ट करता। और हाँ, एक बात और कहूँगा, इस मैटर को मैंने सारे पत्रकारों से शेयर किया था। सारे पत्रकारों का मतलब ये है कि जो जो मेरे कंडक्ट में थे, मैंने सारे पत्रकारों को बताया कि ये मामला ऐसा ऐसा है, और ये महाशय कह रहे हैं कि मेरे घर वालों को मारे पीटे हैं। तो आप किसी का अगर नुकसान करते हो तो बिना 4 डंडे मारे तो रहेगा नहीं, आपको भी पता है। जैसे कि आपके माता पिता को 4 डंडे मारा तो आप मार नहीं सकते, इसलिए पुलिस के पास गए, आपने रिपोर्ट दर्ज करवाया, और ताकि अब पुलिस उनको 4 डंडे मारे, तो मतलब बात इक्वल हो गई ना। उनके दिल को ठेस पहुंची तो उनको इन्होंने पीटा, अब आपके दिल को ठेस पहुंची तो पुलिस से पिटवा रहे हैं, बात इक्वल। अब इसमें सबसे बड़ी बात एक और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें वो लड़की अपने माँ की ही सगी नहीं हुई, माँ के नाम से रिपोर्ट दर्ज करवाया है कि माँ आई थी मुझे मारने के लिए, माँ ने मारा है 4 डंडे। आपको लगता है कि माँ आएगी मारने के लिए, जो खुद मरी हुई घर में पड़ी हुई है, कि मेरी बेटी को मुझे वापस कर दो, वो माँ मारेगी 4 डंडे इनको आके? जो खून 9 महीने अपने पेट में पाला होगा, जिसने इतना संस्कार दिया होगा कि तुम आज अपने पैरों पे खड़ी हो, वो माँ आएगी तुमको मारने के लिए और इनको मारने के लिए? हम कहते हैं कि कोई पिता आया रहा होगा, आपके रिलेशन के आ रहे होंगे, लेकिन माँ ना आई रही होगी। माँ अगर आई भी रही होगी तो डंडे ना मारेगी, अगर तुमको मारी तो सही किया उसने, गलत नहीं किया। और मैं इस कानून के नियम का उल्लंघन नहीं करता, लेकिन मैं इस कानून के नियम के खिलाफ हूँ कि 18 साल तक जब मुझे ज़रूरत थी अच्छा बनाने की, तब मेरे माता पिता ने मेरा सहयोग किया, मुझे बनाया, पढ़ाया लिखाया। आज जब मेरी उनकी ज़रूरत है कि मैं उनकी सहयोग करूं, तो साला मैं आज़ाद हो गया, मैं कुछ भी करूं, मैं कहीं भी जाऊं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, ये गलत है। वो हमारे ऊपर बिल्कुल अपना अधिकार जता सकते हैं, मैं उनके ऊपर अधिकार जता सकता हूँ कि मेरे माता पिता हैं, और वो हमारे ऊपर नहीं जता सकते, बेशक जता सकते, मैं 100 साल का हो जाऊँ तब भी वो जताए हमारे ऊपर कि तुम मेरे बेटे हो और मैं उनका साथ दूंगा। चलता हूँ, एक छोटी सी जो बातें हमारे दिल में थी इतने दिनों से, ये कई दिनों का मैटर हो गया, जो आप लोगों से शेयर करना था सो मैंने शेयर किया कि मैं उस लड़की और लड़के का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने उसका साथ दिया होता तो 10 लड़के लड़कियाँ ऐसे और करते, फिर उसकी वजह से 100 लड़के लड़कियाँ और करते, फिर हज़ारों और लाखों की सभी मैटर होता, और इसमें से सभी माता और पिता का विश्वास टूट जाता, और विश्वास टूटने की वजह से हम महिलाओं की, औरतों की, बच्चियों का सम्मान नहीं करते और पैदा करने से डरते, जिसकी वजह से आपका वंश खत्म हो जाता और हमारा भी उसके साथ वंश खत्म हो जाता, क्योंकि हम आपसे हैं और हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन आप खुद जब ऐसा नहीं सोच सकती हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद।